गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास की जो बात कर रहे हैं हम रुधिर समूह की, तो रुधिर समूह के बारे में हमने देखा कि रुधिर समूह कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के रुधिर समूह जो होते हैं उसके जीनोटाइप होते हैं। उसके बाद में रुधिर समूह के प्रकार, जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे रुधिर वर्ग की वंशागति। रुधिर वर्ग की वंशानुगति की बात करते हैं। यहाँ पर रुधिर वर्ग कितने प्रकार का, चार प्रकार का होता है। पहली बात तो सबसे पहले रुधिर वर्ग की, जो रुधिर वर्ग का नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आई जीन के द्वारा। रुधिर वर्ग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, आई जीन द्वारा। और आई जीन जो होते हैं एक बहु एलील होता है। इसके कितने एलील होते हैं, तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो या आई नॉट। आई ए जो है ये क्या काम करता है, एंटीजन जो है ईआरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन किसका निर्माण करता है, ए का निर्माण करता है। आई बी जो है ये किसका निर्माण करता है, एंटीजन बी का निर्माण करता है। और आई जीरो जो है ये कोई भी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है। और आई ए और आई बी जो होते हैं ये दोनों जो हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और ये जो है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाएंगे, तो यहाँ पर इसके जीनोटाइप जो है, रुधिर वर्ग जो है वो मनुष्य में कितने प्रकार के जीनोटाइप के रूप में पाया जा सकता है, लगभग छह जीनोटाइप होते हैं इसके। आई जैसे आई ए हो सकता है, आई ए आई जीरो हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई बी आई जीरो हो सकता है, आई ए आई बी हो सकता है और आई जीरो हो सकता है। ये कितने हो गए, छः हो गए। ये जो है ये बनाएगा रक्त समूह ए, ये जो है ये भी रक्त समूह ए, क्योंकि आई ए दोनों सेम एंटीजन का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ये प्रभावी है, अप्रभावी है तो ये प्रकट नहीं होगा। यहाँ पर भी बी प्रकार का रक्त समूह बनेगा, ये भी बी प्रकार का रक्त समूह बनेगा। यहाँ पर ए बी प्रकार का रक्त समूह बनेगा और यहाँ पर ए ओ प्रकार का रक्त समूह बनता है। इस तरीके से ये रक्त समूह का निर्माण होता है। ये दोनों युग्म विकल्पी जो है एक माता से आता है और एक पिता से। इनमें से एक तो कहाँ से आया, माता से, और एक कहाँ से आया, पिता से। हम कहाँ से आए, इन दोनों से। हम कहाँ से आए, इन दोनों से। ये कहाँ से आया, माता से। ये कहाँ से आया, पिता से। हम कहाँ से आए, इन दोनों से। और हमें क्या है, ये दोनों है। इनमें से अब कोई से भी दोनों हो सकते हैं, जिसके कारण ए बी रुधिर समूह या तो ए बना सकते हैं या बी बना सकते हैं या ए बी बना सकते हैं या ओ बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्या है। अब मान लो अपन युग्म विकल्पी में यहाँ पर माता पिता की बात की, तो इसमें एक कोई सा भी माता से आता है और कोई सा भी पिता से आता है। इसमें एक युग्म विकल्पी जो है वो कहाँ से आएगा, माता से आएगा, और एक आएगा पिता से। अब मान लो कि इनमें से रक्त समूह अपन को बताना है कि अपन को माता और पिता के रक्त समूह पता है, तो अपन किसकी बता सकते हैं कि संतानों के रक्त समूह बता सकते हैं कि इन माता पिता जो है, ये माता पिता, इन माता पिता का रक्त समूह अपन को दिया हुआ है, तो इस रक्त समूह के द्वारा, इनके द्वारा जो संतानें पैदा की जाएगी उन संतानों का संभावित रक्त समूह क्या होगा, मतलब कौन से रक्त समूह की संतानें पैदा होगी उसके बारे में अपन बता सकते हैं। जैसे अब सपोज करो ए रक्त समूह है, अब मान लो तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा था, माता, कौन सा पिता, पिता, ये हो गया लो, ये माता हो गए, ये पिता हो गए। अब मान लो कि माता का रक्त समूह अपन को दे दिया ए, या मान लेते हैं बी, या मान लेते हैं ए बी, या मान लेते हैं ओ,
अगर मान लो अपन को पिताकारक समूह भी यही दिया हुआ है, जैसे मान लो ए बी और ओ, ये संतानें हो गई, वो सॉरी ये माता पिता के हो गए। सपोज करते हैं यहाँ पर माता का रक्त समूह अपन को ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी दे रखा है और ओ दे रखा है। और यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, ए बी है, उसके बाद में यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर मान लेते हैं जैसे बी है, तो कुछ भी हो सकता है। पर ये संभावना ही बता रहे हैं कि कोई सी भी संभावना बन सकती है। अब अपन को क्या करना है कि जो अपन को ये अपने दिमाग में है युग्म विकल्प ये होते हैं। अब देखो माता का जो रक्त समूह अपन को क्या मान सकते हैं, यहाँ पर ए को गुणा करने अपन को जीरो से, जीरो यहाँ पर ओ है, बी को गुणा कर देते हैं, बी के साथ क्या आएगा जीरो, ये दोनों एक साथ है तो यहाँ पर इन दोनों को अलग कर देंगे ए बी। अब देखो ओ जो है तो ओ में दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर अपन एक ओ से भी काम चला जाएगा, एक ओ लिखेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ ए आ गया तो ए के साथ हमेशा क्या आएगा ये जीरो, बी के साथ हमेशा क्या आएगा ये जीरो, ए बी को हमेशा अलग कर देंगे और ओ हमेशा क्या रहेगा सिंगल। यही चीज अपन कहाँ कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर भी अपन क्या कर देंगे ए ओ बी ओ, उसके बाद में ए बी, उसके बाद में ओ, उसके बाद में ओ, उसके बाद में ए बी, उसके बाद में ए ओ और बी ओ, तो इस तरीके से अपन ने कर लिया। ये माता का रक्त समूह अपन को इससे मतलब है, ये तो अपन निकाल रहे हैं कि संतानों का रक्त समूह क्या हो सकता है। ये जो अपन को दे रखे हैं ये है माता पिताओं के रक्त समूह, तो ये तो कौन सी ता है, ये तो माता है, और ये कौन सा पिता है, पिता है। तो ये पिता। अब देखो संतानों का रक्त समूह जो आएगा वो क्या आएगा, संतान, तो ये इनके क्या होगी, संतान होगी। और संतानों का संभावित रक्त समूह क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर ए को ऐसे करूंगा तो क्या आएगा ए ही आएगा, और ए को ओ से करूंगा तो क्या आएगा ए आएगा, ओ को ऐसे करूंगा तो क्या आएगा ए आएगा, और ओ को ओ से करूंगा तो ओ आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, ए और ओ इनको हटा दूं और को, तो यहाँ पर इनके द्वारा, इस कपल के द्वारा जो संतान पैदा की जाएगी वो संतान कौन सी होगी, ये संतान होगी। अगर इनके अलावा कोई और संतान हो रही है इनकी कहीं से, मान लो भी आ गया किसी संतान का, इसका मतलब इनकी नहीं है वो संतान। मेरी बात समझ में आई क्या। उसके बाद में अगर मान लो इस कपल की बात करते हैं तो ये जो है बी को बी से करेंगे, बोलो बी, बी को उसे करेंगे बी, बी ओ को बी से करेंगे बी, और ओ को उसे करेंगे ओ, तो बताओ ये तो बी हो गया दोनों, तो यहाँ पर क्या आएगा बी ओ आएगा। तो ये जो संतान इनके द्वारा जो पैदा की जाएगी वो ये संतान होगी, इनके अलावा और कोई संतान हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अगर मान लो माता का रक्त समूह ए बी है और पिता का रक्त समूह भी ए बी है, तो कौन सी संतान होगी, ए को ए से करेंगे ए, ए को बी से करेंगे ए बी, बी को ए से करेंगे ए बी, बी को बी से करेंगे बी, तो इनके द्वारा जो संतान पैदा की जाएगी वो कौन सी की जाएगी भाई, ये प्रकार के रक्त समूह की संतान पैदा होगी। उसके अलावा ओ और ओ का अगर ब्याह हो गया, मान लो इन दोनों की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद में ओ को उसे करेंगे तो कौन सी संतान पैदा होगी, ओनली ओ की संतान पैदा होगी और कोई सी संतान है नहीं होगी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, अगर मान लो ए की शादी बी ओ के साथ हो गई तो ए का किसके, ए से, ए को ओ से गुणा करूँगा तो क्या आएगा ए, और ओ को ओ से गुणा करूँगा तो ओ, तो यहाँ पर जो संतान पैदा होगी वो कौन सी होगी, ये होगी। अब मैं इनको एक को समझाऊँ खोल के, देखो कैसे, ये है माता है, ये बोलो माता, और ये कौन सा है पिता। अब माता का रक्त समूह क्या दिया हुआ है अपन को, ए दिया हुआ है, और पिता का रक्त समूह भी अपन को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब ए रक्त समूह को, ए रक्त समूह कौन से एलील के द्वारा नियंत्रित होगा, या तो क्या होगा आई ए हो सकता है, या आई ए आई जीरो हो सकता है, हो सकता है। पिता का ए रक्त समूह है तो यहाँ पर भी यही दो एलील होंगे, या तो ये हो सकता है और या ये हो सकता है,
हो गया नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ पर अगर मान लो ये एलील है जब तो ए ही होगी संतान। अरे ये जो है अगर मान लो इसके द्वारा क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, ये क्रॉस अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर सारी संतानें कैसी होंगी, यहाँ पर एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, यहाँ पर भी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे और ये दोनों मिलकर क्या बनानेंगे संतति, तो संतति में भी क्या होगा ये होगा और ये क्या होगा ए होगा, होगा नहीं होगा। अगर मान लो ये कंडीशन होगी तब कौन से क्या होगा, आइए आई जीरो का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, आइए के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे और यहाँ पर क्या बनेंगे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे आइए और आई जीरो प्रकार के, तो ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आइए आइए, और ये इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा आइए आई जीरो, तो ये रक्त समूह तो क्या बनेगा ए और ये रक्त समूह भी क्या बनेगा ए बनेगा, नहीं बनेगा ये भी, अरे होगा नहीं होगा। उसके मान लो अगर मान लो ये कंडीशन हो जाए ये और ये कंडीशन हो युग्म विकल्पी में, तो ये अगर कंडीशन हो जाती है तो आईए आई जीरो का क्रॉस किसके साथ, आईए आई जीरो के साथ होता है, तो यहाँ पर भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे आई जीरो आई ए और आई ए और आई जीरो, तो ये इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आईए आईए बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आईए आई जीरो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आईए आई जीरो बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा ए आई जीरो, तो ये रक्त समूह ए हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा ओ होगा नहीं होगा। अब देखो देखा इसमें ए हुआ इसमें ए हुआ यहाँ पर ए ओ ओ हो गया ना, तो इनके द्वारा अगर माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो इनके द्वारा संतान ए की भी हो सकती है और ओ की भी हो सकती है। अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है ए ओ ही लिखा है, कारण समझ में आ गया क्यों, तो एओ की संतान जो पैदा हो रही है उसका कारण, इसीलिए अपन ने जब इसको निकालते हैं तो यहाँ पर मैंने ओ से गुणा किया है ए को, क्योंकि ये कंडीशन भी तो हो सकती है, अगर ये कंडीशन होती है जब तो यही होगा, तो यहाँ पर ओ के अगर अपन को ये दिया हुआ है मान लो किसी माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह भी ए है जिसमें माता का युग्म विकल्पी अपन को दिया हुआ है आईए आई जीरो और पिता का युग्म विकल्पी दिया हुआ है अपन को आईए आई, अगर ये चीज अपन को दे रखी है तो अपन से अगर संतान पूछ लेता है तो कौन सी संतान पैदा होगी, ओनली ए प्रकार की संतान पैदा होगी। क्लियर समझ में आ गया, ये नहीं ना यही तो कंडीशन है ये, तो यहाँ पर ए की संतान पैदा होगी अगर अपन को ये दिया हुआ है, तो युग्म विकल्पी अगर अपन को दिए हुए हैं फिर अपन से संतान के बारे में पूछ रहा है तो अपन बता सकते हैं। अगर अपन को यही दे रखा है केवल कि माता का रक्त समूह ये है और पिता का रक्त समूह ये है तो इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो कौन सी पैदा होगी। क्लियर, तो यहाँ पर अगर अपन बता सकते हैं, उसके बाद में अगर ये है तो बी के द्वारा बी को किससे करेंगे ए से करेंगे तो क्या आएगा ए बी, बी को बी से करेंगे तो क्या आएगा बी, ओ को ए से करेंगे तो क्या आएगा ए और ओ को बी से करेंगे तो क्या आएगा बी आएगा नहीं आएगा, तो कौन सी संतान पैदा होगी भाई, ये हो गया। उसके बाद में अगर इस कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें देखो इसको ए से करेंगे तो ए आएगा, इसको ओ से करेंगे तो ए आएगा, इसको बी से करेंगे तो क्या आएगा ए बी आएगा और इसको इससे करेंगे तो बी आएगा, तो बताओ यहाँ पर भी कौन सी संतान पैदा हो रही है, ये होगा नहीं होगा, ये कंडीशन हो रही है नहीं हो रही। अगर मान लो ओ की संतान इसके साथ हो रहा है तो यहाँ पर ओ का बी से बी ओ का ओ से करेंगे तो ये संतान पैदा होगी। अगर मान लो अपन को दिया हुआ है यहाँ पर अगर माता का रक्त समूह जो है वो क्या है ए बी है और पिता का रक्त समूह जो है वो क्या है बी है बी है, यहाँ ओ कहाँ गया, अच्छा बी ए बी, अगर माता का रक्त समूह अपन को क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आई ए और आई जीरो में एक जीरो,
उसके बाद में पिता का रक्त समूह अगर अपन को दे रखा है कौन सा, आई बी और ये दे रखा है, तो इस कंडीशन में ए का इसके साथ होगा ए आई जीरो बी और आई जीरो, तो यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी, इसका इसके साथ करूँगा तो ए, इसका इसके साथ करूँगा तो बी और इसका इसके साथ करूँगा तो ओ, होगा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये ए हो गया ये बी हो गया ये ए बी हो गया ये बी हो गया ये ओ हो गया ये ए हो गया ओ हो गया ये बी है ए बी हो गया ये ए बी और अच्छा अच्छा, तो ये कंडीशन अपन ने लिखी नहीं। अगर मान लो किसी माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो कौन सी संतान पैदा होगी, तो कौन सी संतान पैदा होगी, सभी रक्त समूह की संतान पैदा होगी। तो यहाँ पर अगर माता का रक्त समूह दे रखा है और अपन को पिता का रक्त समूह दे रखा है तो अपन बता सकते हैं कि जो उत्पन्न जो संतानें जो होंगी वो कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा। क्लियर, ये चीज़ें तो वंशान गति में क्या किया जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो अर्थात माता पिता से जो जीनों का ट्रांसफर होता है उसके बाद में, क्योंकि जीन के द्वारा ही किसी लक्षण का क्या किया जाएगा नियंत्रण किया जाता है, और इनके तो अपन ने रुधिर वर्ग की वंशान गति, तो रुधिर वर्ग का नियंत्रण आई जीन के द्वारा किया जाता है, आई जीन जो होता है बहु एलील होता है अर्थात युग्म विकल्पी जो होते हैं उसके कितने होते हैं, तीन युग्म विकल्पी होते हैं आई ए आई बी और आई जीरो, उसके आधार पर हम संतान जो है माता पिता का रक्त समूह हमको पता है तो हम संतान का रक्त समूह हम निकाल सकते हैं किसके आधार पर, ए बी ओ, तो यहाँ पर अपन को अगर ए दे रखा है तो ए को किसके साथ गुणा करेंगे, ओ के साथ, ए ओ यहाँ पर भी ए ओ हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर भी दे रखा है तो बी को किसके साथ गुणा करेंगे, ओ के साथ, ए बी के साथ दो है तो दोनों को अलग कर देंगे, ओ के साथ केवल एक ही बनेगा, ए के साथ हमेशा जीरो से गुणा होगा, बी को हमेशा जीरो से गुणा होगा, ए बी हमेशा दोनों अलग हो जाएंगे, ओ सिंगल रहेगा, तो उसके बाद में अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि अपन को ये रामायण करने की आवश्यकता नहीं है कि जो संतान पैदा होगी उनका रक्त समूह क्या होगा। अगर अपन को जीन प्रारूप के रूप में या युग्म विकल्पी के रूप में दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि अपन को ये दे दिया कि माता का रक्त समूह ए है जिसका युग्म विकल्पी क्या है ये है, पिता का रक्त समूह ए है और जिसका युग्म विकल्पी ये है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों के संभावित रक्त समूह बताइए, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसको इससे कर देंगे ए बनेगा, इसको इससे कर देंगे ए बनेगा, इसको इससे कर देंगे ए बनेगा, इसको इससे कर देंगे ए बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो सभी संतान पैदा होंगी इस कंडीशन में वो केवल ए रक्त समूह की होगी, यहाँ पर जो समूह बनेगा वो कौन सा बनेगा, ओनली ए रक्त समूह बनता है। क्लियर मेरी बात, तो इस तरीके से हम संतानों में रुधिर समूह को बता सकते हैं। तो ये अपना रुधिर समूह से रिलेटेड जो टॉपिक था, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच भी क्या होता है, एक प्रतिजन होता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिनमें आरएच कारक पाया जाता है वो पॉजिटिव होगा और जिनमें नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव होगा।